सुप्रभातम बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक विषय संस्कृत कक्षा अष्टम से चतुर्था पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सुभाषी तानी भाग एक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम सुभाषी तानी का अर्थ क्या होता है वो समझ लेते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना है सुधन भाषित। सु का अर्थ होता है अच्छा और भाषित का अर्थ होता है भाषा में कहा गया। तो सुभाषितानी का अर्थ क्या हो गया? अच्छी भाषा में या सुंदर भाषा में कहा गया। ठीक है, तो चलिए श्लोक का पहले अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ हम समझेंगे। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्य अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषः अधिगच्छति। यथा, जिस प्रकार, खनन मतलब खोदता हुआ, खनित्रेण मतलब कुदाल से, नर मनुष्य, वारी पानी, अधिगच्छति मतलब प्राप्त करता है, तथा उसी प्रकार गुरुगताम विद्याम शुश्रूषः अधिगच्छति। अधिगच्छति मीन्स होता है प्राप्त करता है, शुश्रूषा मतलब गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य, और गुरुगताम विद्याम का अर्थ होता है गुरु में विद्यमान विद्या को। ठीक है, तो अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। जिस प्रकार कुदाल से खोद कर मनुष्य पानी को प्राप्त करता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप समझते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। धन्यवाद।